समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, प्रातःकालीन जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसमें चौथे मंत्र के ऊपर कुछ विचार करेंगे। पहले मंत्र बोलेंगे, इदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रतिभूतमध्ये अह्नां उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि के गृहस्थ आश्रम प्रकरण में किया है। वेद भाष्य में भी इस मंत्र का भाष्य किया गया है। संस्कार विधि में जो अर्थ किया है उसको हम देखते हैं। मघवन ये मंत्र के अंदर संबोधन है, इसके दो अर्थ किए हैं। ये परमेश्वर का वाचक शब्द लिया गया है, परम पूजित और असंख्य धन को देने वाले। तो परमेश्वर परम पूजित है या परम पूज्य है, सबसे अधिक पूजा सबसे अधिक सत्कार परमेश्वर का करना चाहिए। उत्तम सत्कार उत्तम पूजा परमेश्वर की करनी चाहिए, अर्थात उत्तम रूप से श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, परमेश्वर में अत्यंत प्रीति को रखते हुए। दूसरा अर्थ किया है असंख्य धन देने वाले। परमेश्वर असंख्य धन देते हैं। किसको देते हैं? जो परमेश्वर के उपासक हैं। भौतिक धन भी है और आध्यात्मिक धन भी है। अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान है, भौतिक ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान। भौतिक ज्ञान विज्ञान से मनुष्य अनेक प्रकार की भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करता है। तो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर से प्रार्थना की गई है, उते दानिं भगवन्तः स्याम उत प्रपित्व उत मच्ये अह्नाम। इदानिम इस समय और अह्नाम मध्ये दिनों के बीच में, इस समय हम और आगे आने वाले दिनों में, पीछे वाले दिनों तो बीत गए हैं उनकी चर्चा नहीं है, आगे आने वाले दिनों में और इस समय प्रपित्वे प्रकर्षता और उत्तमता की प्राप्ति में, प्रकर्षता की प्राप्ति के लिए उत्तमता की प्राप्ति के लिए, अर्थात हम गुण कर्म स्वभावों की दृष्टि से प्रकृष्ट हों, उत्तम हों, श्रेष्ठ हों, उसके लिए क्या करें? भगवन्तः स्याम। उत्तमता की प्राप्ति कब होगी? जब हम शक्तिमान होंगे, जब हम
ऐश्वर्य से युक्त होंगे। तो प्रकृष्टता की प्राप्ति के लिए हम आज इसी समय और आगे के दिनों में शक्तिमान होवें, ऐश्वर्य से युक्त होवें, ये परमेश्वर से प्रार्थना की है। और वो कैसे हो? अपने पुरुषार्थ और आपकी कृपा से। तो इस समय आगे आने वाले दिनों में हम पुरुषार्थ करें और वो पुरुषार्थ धर्म पूर्वक हो, जिससे कि परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो, और उस पुरुषार्थ से हम ऐश्वर्य युक्त होकर, शक्तिमान होकर, प्रकृष्ट बने, उत्तम बने। ये पहली प्रार्थना। फिर आगे दिया है, उतो दिता मघवन् सूर्यस्य वयम् देवानाम् सुमतौ स्याम। उतो दिता सूर्यस्य, सूर्य के उदय होने पर, ये तो उपलक्षण के रूप में है कारण, प्रातः काल से लेकर रात्रि काल पर्यंत हम देवानाम सुमतौ स्याम, जो पूर्ण विद्वान धार्मिक आप्त पुरुष हैं, उनकी अच्छी उत्तम मति और अच्छी उत्तम प्रज्ञा रहे, अर्थात जो अच्छा डॉक्टर है, धार्मिक है, विद्वान है, उसकी माने, उसके पास जाएं, उसकी बात को माने। इसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न क्षेत्र में धार्मिक विद्वान आप्त पुरुष हैं, उनका हम संग करें, उनसे हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों की अच्छी अच्छी बातों को जानें, चाहे कंप्यूटर का काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, अनेक काम होते हैं। तो उन कामों की सिद्धि के लिए हम उन कामों में जो विशेषज्ञ हैं, धार्मिक हैं, विद्वान हैं, आप्त हैं, उनकी बातों को हम माने। और इस प्रकार से हम अपने कार्यों को कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में सिद्ध करें। यदि किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जो विद्वान नहीं है, धार्मिक नहीं है, आप्त नहीं है, तो वो पैसे तो ले लेगा, चिकित्सा करेगा, समय बहुत लगेगा, लेकिन लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से कृषि, खेती करने के लिए आप किसी से सलाह मांगने जा रहे हैं, तो वो यदि स्वार्थी है, धार्मिक नहीं है, विद्वान नहीं है, तो वो ऐसी सलाह देगा कि फसल अच्छी नहीं होगी, समय बहुत लगेगा, व्यय बहुत होगा और लाभ कम होगा। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो अच्छे धार्मिक विद्वान हैं, उनको ढूंढना चाहिए, जो विशेषज्ञ हों, उनका संग करके हमें जो हमारी लौकिक समस्याएं होती है अथवा जो आध्यात्मिक समस्याएं होती है, उनका समाधान करना चाहिए। आध्यात्मिक समस्याओं में भी ये होता है, किसी विद्वान के पास चले गए, वो धार्मिक नहीं है, अपने क्षेत्र में अच्छी प्रकार से जानता नहीं है, तो वो ऐसी सलाह दे देगा, उस सलाह का पालन करेंगे तो समय बहुत लगेगा, खर्चा बहुत होगा और आध्यात्मिक प्रगति कुछ होगी नहीं, उल्टा हानि भी हो सकती है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो सब क्षेत्रों में जो अच्छे धार्मिक आप तो पूर्ण विद्वान हैं, उनका संग करके उन उन क्षेत्रों में जो हमारे कार्य है, जो
समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए, ये वेद का संदेश है। और जैसे परमेश्वर उत्तम है, श्रेष्ठ है, परमेश्वर के तुल्य अन्य कोई दूसरा नहीं है, तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि मनुष्य भी श्रेष्ठ बने। तो उस श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें और परमेश्वर की सहायता भी लें। परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए हम शक्तिमान और ऐश्वर्यों को प्राप्त